नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जुलाई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। रेलवे के सहायक अधिशासी अभियंता को एसीबी ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अलवर एसीबी एएसपी विजय सिंह के निर्देशन में सीओ महेंद्र मीना ने कार्रवाई को अंजाम दिया। रेलवे में सहायक अधिशासी अभियंता रमेश सिंह को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह राशि ठेकेदार से 1% कमीशन के रूप में ली गई। रिश्वत की राशि के साथ रमेश सिंह को रामगढ़ से मिठाई की दुकान से एसीबी द्वारा काबू किया गया। रिश्वत रेलवे पुल निर्माण के बिल पास करने की एवज में ली जा रही थी। आरोपी डिप्टी चीफ इंजीनियर आगरा कार्यालय में पोस्टेड है और रामगढ़ और भरतपुर क्षेत्र में ओवरब्रिज बनाए गए हैं। जयपुर के प्रतापनगर में गला रेतकर युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या की वारदात का पर्दाफाश करते हुए हत्या के आरोपी नाहर सिंह उर्फ लोकेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा बेवफाई का बदला लेने के लिए युवती सीमा की हत्या करने की बात सामने आई है। सीमा का किसी अन्य से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह प्रेम प्रसंग नाहर सिंह को नागवार गुजरा, जिसके चलते उसने युवती को मौत के घाट उतार दिया। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू कैप्टन को लेकर घमासान में अब पार्टी के अन्य विधायक भी कूद गए हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस के 10 विधायकों ने रविवार को बयान जारी कर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन के पंजाब कांग्रेस में योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिद्धू ने ट्वीट और इंटरव्यू में लगाए आरोपों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचा है। इस बीच मौजूदा प्रधान सुनील जाखड़ ने आज चंडीगढ़ से जिला प्रधानों और विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। कैप्टन के समर्थन में आए विधायकों में हरमिंदर सिंह गिल, फतेह जंग सिंह बाजवा, गुरप्रीत सिंह जीपी, कुलदीप वैद, बलविंदर लाडी, संतोख सिंह भलाईपुर, जोगिंदर पाल भुआ के साथ ही छोड़कर कांग्रेस में आए सुखपाल सिंह खैरा, पिरमल सिंह खालसा, जगदेव सिंह कमालू शामिल हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने के मद्देनजर फैसला किया गया है कि यदि कोई कांवड़ यात्री हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसे 14 दिन पृथकवास में रखा जाएगा। प्रशासन ने बताया कि बिजनौर और हरिद्वार की सीमा पर चिड़ियापुर में दोनों राज्यों की समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर पाबंदी को देखते हुए तय किया गया कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए दोनों राज्यों की सीमा पर निगरानी रखी जाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि नजीबाबाद तहसील और हरिद्वार के बीच सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। हरिद्वार प्रशासन ने बताया कि अगर कोई कांवड़ यात्री आदेश का उल्लंघन कर प्रवेश करता है तो उसे हरिद्वार में 14 दिन पृथकवास में रखा जाएगा। जालौर के रानीवाड़ा में एक प्रेमी युगल द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रेमी युवक 20 वर्षीय कानाजी भील निवासी हर्षवाड़ा तो प्रेमिका 20 वर्षीय दरिया निवासी करवाड़ा बताई जा रही है। दोनों के शव पहाड़ों में पेड़ पर लटके मिले। दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद व थाना अधिकारी पद्माराम मामले की जाँच कर रहे हैं। जोधपुर के बिलाड़ा में खुले पानी के हौद में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हरियाणा गांव के निवासी तीनों युवक 11 वर्षीय मुकेश, 13 वर्षीय रविंदर और 10 वर्षीय अर्जुन भेड़ बकरियां चराने गए थे और तीनों हौद में गिर गए। तीनों को ग्रामीणों ने हौद से बाहर निकलवाया और बारुंदा सीएचसी अस्पताल लेकर गए, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जयपुर में विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में ई मित्रा संचालक द्वारा रुपए लेकर रफू चक्कर होने का मामला सामने आया है। इस ई मित्र संचालक द्वारा आम लोगों के पानी बिजली के बिल जमा करवाने की राशि लेकर फरार होने की बात सामने आ रही है। इसी बात की जानकारी लोगों को उस वक्त मिली जब भराया गया बिल उनके नए बिलों में जुड़कर आ गया। इस पर वे ई मित्र संचालक संजय कुमावत के यहाँ पहुंचे तो वो गायब मिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ससुर द्वारा ही बहू को हवस का शिकार बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। जयपुर के शहारपुर थाने में 0 नंबर एफआईआर दर्ज करते हुए बताया कि ससुर ने बहू को ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाखों रुपए की नकदी के साथ कोटा एसीबी द्वारा पकड़े गए आईआरएस शशांक यादव के ठिकानों पर एसीबी द्वारा कल रेड दी गई। एडीजी दिनेश एमएन ने यूपी एंटी करप्शन के संपर्क किया। यूपी के गाजीपुर में शशांक यादव के घर सर्च की गई। वहीं अन्य ठिकानों पर भी एसीबी द्वारा दबिश दी गई। शशांक यादव को शनिवार को 16 लाख से अधिक की रकम के साथ काबू किया था। पूछताछ में अनेक बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि शशांक द्वारा करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई है।
जयपुर में सरकारी नौकरी के नाम पर 9 लाख रुपए से अधिक की ठगी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आरोपी महेंद्र कुमार ओझा पर ठगी का आरोप लगाते हुए बताया गया है कि इसके द्वारा उसके पुत्र को सरकारी नौकरी दिलवाने की बात की गई थी, जिसकी एवज में 9 लाख रुपए से अधिक की रकम ऐंठ ली गई। जब नौकरी बाबत पूछा तो उसने बताया कि उसने तो ठगी मारनी थी, उसने मार ली। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।